वेलकम फ्रेंड्स, एक और मास्टर क्लास के साथ मैं राजकुमार यदुवंशी आप सभी के सामने। जल्दी से सभी लोग आ जाओ, जुड़ जाओ भाई फटाफट, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आप देख रहे होंगे कि ये वर्गमूल पर आधारित है ना। वर्गमूल पर अंडर रूट लगा है, 625 का वर्गमूल क्या होगा। यहाँ पर अगर 2 लिख दे तब भी कोई बुराई नहीं है, और ना लिखे तब भी कोई गड़बड़ नहीं है। जल्दी से कमेंट्स करें, 25, 5, 125 या 15 होगा। हम लोग सीखेंगे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, जीरो लेवल से कैसे होता है, क्यों होता है और कब होता है। देखिए इन सभी सवालों का जवाब हम लोग पहले इसका गुणनखंड करते हैं, जो भी नंबर दिया होता है, जैसे 625। ठीक है, तो ये गुणनखंड वगैरह कैसे करते हैं आप लोग जानते होंगे। पहले इसे एक ऐसी गिनती से भाग देंगे जिससे पूरा कट जाए, कोई भी शेषफल ना आए। ट्राई करते हैं, अगर 3 से भाग करते हैं देखिए ये कटेगा नहीं। यहां मैं करके दिखा देता हूं फिर मिटा दूंगा। ये 625 3 से भाग दे लो भाई, तो 3 × 6 ये कट गया, उतारा 2 भाग नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा। 5 उतार लेंगे, क्या करेंगे यहाँ 0 बढ़ा के 5 उतार लेंगे। अब 3 × 7 = 21, देखिए 4 शेषफल आ गया। पूरा नहीं कट रहा ना, तो हमें पूरा काटना है। इसका मतलब ये 2, 3 से नहीं कटे वाला है ना, 3 से नहीं कटने वाला। तो ये किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा, हमें ऐसा लग रहा है। ये 5 से काटेंगे तो 5 × 5 घटा दे पाया 1, ध्यान दीजिएगा। ऊपर से 2 उतार लिया, अब 2 बार जाएगा तो 5 × 10 2 आया, ये 5 उतार लो जो एक बचा है, ये देखिए 5 × 25 5 से कट गया पूरा शेषफल 0 आ गया। जिससे भाग करके काटते हैं उसको इसके सामने लिखते हैं, और जो ऊपर भागफल जाता है उसको इसके नीचे लिखते हैं। हो गई ना अपनी कहानी पूरी, मिटा दें जी बिल्कुल, टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी इच्छा ना रहे अधूरी, बोलिएगा सब कुछ होगी पूरी भाई। ठीक है आगे चलें। उसी तरह से फिर से भाग देंगे 5 से 125 में, तो अब हम नहीं करने वाले हैं पूरा ज्यादा गाचा पाचा, इतना बड़ा सा जो भी किया था ना, बस ये 25 आएगा जान लीजिए। फिर क्या करेंगे, 5 से इसमें भाग करेंगे, फिर से कितना आएगा 5, और फिर से भाग करेंगे तो फिर 1। एक बार हमने बता दिया कैसे हुआ था है ना। अब क्या करेंगे, ये 5, 5, 4 बार है ना, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे अंडर रूट के अंदर में, क्या अंडर रूट 5, 5 ये 5 और ये 5 है ना। 2-2 का जोड़ा बना लेते हैं, देखिए एक एक जोड़े से 1, 1, 5 बाहर आ जाएगा, और इस तरह से आप देखेंगे आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 25 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। समझ में आ गया ना बात, अगर कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कुछ पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अंडर रूट 144 का मान क्या होगा। हमने आपको बताया था कि आप लोग 12 तक या 14 तक का मान याद कर लीजिए, लेकिन आपने याद नहीं किया होगा तो नहीं आएगा। चले आगे, इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे, और इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं अगर तो हो जाएगा क्या 12, क्योंकि 12 बराबर में होता है 144 है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। कैसे, ऐसे इधर देख लीजिए, काट देंगे 2 से 2 × 14 2 × 4 2 × 3 6 2 × 6 12 ये 18, फिर 2 से काटेंगे 2 × 9 18 3 × 3 9 और 3 × 3 9 जब फिर क्या करेंगे 2-2 का जोड़ा बनाएंगे, देखिए ये 1-2 इसमें से निकलेगा, 1 इसमें से, 1-3 इसमें से, 2 × 4 यही क्या आएगा, ये 12 आ गए उत्तर। समझ गए ना, ये था वर्गमूल एक आसान तरीके से और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, अंडर रूट 900 का मान क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या होगा, ये चौथा का उत्तर बताएं इसका मान क्या होगा। जल्दी करें फट से, आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी करें, कैसे आएगा कितना आएगा, समझ गए ना आप लोग कितना आएगा भाई। देखिए आप लोग जानते हैं कि अंडर रूट 9 का मान क्या आएगा, ये 3 आएगा, और कैसे आता है इसका मतलब ये होता है कि इसे आप इतना लिख सकते हैं है ना, इसमें से एक जोड़ा बन के 1-3 बाहर निकल जाता है, उत्तर हो जाता है। अगर इसके बाद 2 जीरो लगा है ना, तो उत्तर में हम 1 जीरो लगा देते हैं बस, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, अगर इसे चाहें तो आप पूरा लंबी विधि से भी लगा सकते हैं, जैसे लंबी विधि आज तक आपने देखते आया है ना, ये ऐसे काटेंगे फिर 2 से
तो ये आ जाएगा 4 5 0, फिर 2 से काटेंगे 2 2 4, 2 2 4 2 5 10, 5 से काटेंगे 5 2 20, 5 9 45, फिर 7 से काटेंगे 7 7 49, है ना। गड़बड़ हो रहा है क्या भाई, नहीं आ रहा है? देखिए ध्यान दीजिएगा कहां कुछ गड़बड़ है क्या, गौर से देखिएगा। एक जगह गड़बड़ है, आप लोग जान रहे होंगे, ये जब 5 से काटेंगे ना तो 5 2 20, 2 बचेगा हो जाएगा 25, तो ये 5 5 25 होगा बाबू, ठीक है ना। अब इसे आप फिर से 5 से काटेंगे तो ये 5 9 45 आएगा, और फिर 9 को आप 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और ये 3 3 9, है ना, 3 1 3। अब ये देखिए 3 3 का एक जोड़ा मिल गया, एक 5 का मिल गया, एक 2 का मिल गया, यानी कि 1 2 इसमें से निकल गया, एक 5 इसमें से निकल गया, एक 3 इसमें से निकल गया, 2 5 10 दिया ही क्या हो गया, ये 30 हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, है ना। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, ये चैनल आपका है। और हाँ, अगर आप हर दिन क्लास चाहते हैं तो इस नंबर पर JOIN ज्वाइन लिख करके भेजें, गणित सिखाने की संपूर्ण गारंटी के साथ हम आपके सामने आते हैं, हर दिन आप देखते होंगे, है ना। सुबह 7 बजे से आपकी 0 लेवल की क्लास कर दी गई है, जो लोग 5 बजे से 6 बजे से नहीं देख पाते थे, ठीक है। आगे चले, अंडर रूट 2500 का वर्गमूल क्या होगा, आपको 25 का वर्गमूल बताना है, क्या होता है 5 होता है ना, 2 0 बगल में, उत्तर में 1 0 लगा दीजिए, बस 50 हो जाएगा इसका उत्तर, करके देख लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच पूछ सकते हैं, रिटाइम एनी वे, ठीक है। और हाँ, और सभी क्लास को देखने के लिए आप PVR स्टडी को अनअकैडमी पर फॉलो करना ना भूले, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, और पढ़ाई से संबंधित प्रत्येक समस्या की समाधान के लिए विजिट करें pvrstudy.com। अगर कोई और इंक्वायरी है तो आप कॉल कर सकते हैं 78 438 और 32 999, ठीक है, या इसकी जगह पे आप 33 भी कर सकते हैं, इस पर भी कॉल कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, छोटा सा था ये सफर, कैसे लगा आपको कमेंट करके बताइएगा, इस क्लास को अपने दोस्तों में कम से कम 5 लोग को जरूर शेयर करिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं और उम्मीदों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अगली क्लास के लिए इंतजार करिएगा, हम फिर से आएंगे आपके सामने।